हाँ भाई पड़ोसी, हाँ पड़ोसी, सोते हैं, सोते कल हैं। मिलते हैं ठीक है, ओके बाय। और कोई रात में गेट बजाए तो खोलना नहीं, ठीक है, अंदर से ताला मार लेना। चाय भाई पीते और निकलते हैं फटाफट से यहाँ से, मेरा तो ब्लॉग एडिट हो गया, थोड़ा सा रह गया, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। और आज आपको हम लेके जाएंगे किधर, किधर आज हम आपको लेके जाएंगे पार्शर लेक। पार्शर लेक क्या है, क्यों है, कैसे है, कब से है, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे आज के ब्लॉग में, तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा जरूर। हर बार की तरह आज भी 1:30 बज चुके हैं और अभी तक हमने रूम से नहीं निकले, और आज ना गुरुद्वारे में रुके हुए थे इसलिए अपना रूम हमने आज खुद साफ किया, और जैसा रूम को मिला था ना उससे ज्यादा साफ करके छोड़ के जा रहे हैं। इसको देखो इतना अच्छे से नीट एंड क्लीन हमने रूम छोड़ा है, सामान पैक हो गया और निकल रहे हैं आज हमको, हम रुकेंगे आज पार्सर लेक में। पार्सर लेक यहाँ से 40-50 किलोमीटर होगा, वहीं पर जाके आज हम लोग कैंपिंग करने वाले हैं। भैया निकल रहे हैं यहाँ से, ये गुरुद्वारा था, कल रात को जाम रुके थे इस रूम में, रुके थे यहाँ पे, और ऐसा कुछ गुरुद्वारा है। अगर आप भी आ रहे हो ना इस मनाली की तरफ तो आप भी यहाँ पे रुक सकते हो, 300 रुपये में आपको यहाँ पे कमरा मिल जाएगा, साफ सुथरा काफ़ी अच्छा रूम था यहाँ पे। और उसके बाद अभी निकल रहे हैं, बाकी जो यहाँ पे रहते हैं जो विजिटर करते हैं वो भी काफ़ी अच्छे लोग हैं। मैं आपको बता दूँ अगर आप आना चाहते हो यहाँ पे तो ये सुंदर नगर में पड़ता है, सुंदर नगर में वैसे 3-4 गुरुद्वारे हैं लेकिन सबसे बड़ा गुरुद्वारा सुंदर नगर का यही है। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, ऑयल भी ख़त्म हो गया यार, तेल भी डलवाना पड़ेगा। तो ये किस चीज़ का प्रसाद बट रहा है? ये गुरु पूर्णिमा है आज, गुरु पूर्णिमा आज। हाँ जी भैया, कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा खाने वाले का ना, तो इन दानों पे हमारे नाम लिखा था लग रहा है। तो भाई साहब इस जगह का नाम है सुंदर नगर, और वाकई में ये जगह बहुत सुंदर है यार। तो भैया सुंदर नगर वालों, अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रही है तो वीडियो को लाइक करो यार, अपने शहर के लिए, इतना खूबसूरत शहर है आपका, इतनी खूबसूरत जगह आप रहते हो। धन्यवाद जी, बिल्कुल। भैया ये सतलज नदी का पानी है, मतलब आगे जाके ना ये सतलज नदी में मिलेगा, अब ऐसी सतलज नदी से ही निकल रहा है और ये पंजाब तक जाता है ये पानी, पंजाब में जो खेती होती है इसी पानी से होती है भाई सर। और कल हम प्लान कर रहे थे ना इस नहर के उस तरफ टेंट लगाने का, लेकिन हमें लोकल्स लोगों ने बोला भाई वो एरिया थोड़ा सुनसान, ऐसा है कोई आपकी हेल्प करने को भी नहीं आ पाएगा, और वहाँ पे नसेटी वसेटी घूमते रहते हैं, दारूबाज वगैरह बतेरे घूमते हैं उधर, तो अगर आपको अपनी रात काली नहीं करवानी तो गुरुद्वारे चले जाओ। चलो निकलने की देर नहीं होती है, भसूड़ियाँ पहले हो जाती हैं यार, अभी थोड़ी देर पहले चले तो इसकी चैन ख़राब हो गई, चैन को रुकना पड़ा, अब थोड़ा सा चले तो बारिश हो गई है, अब रेनकोट पहनना पड़ेगा साला। भैया रूम से निकले बिना 5 मिनट नहीं हुए थे और दोबारा रुकना पड़ गया, बारिश हो गई है झमझम झम से, इस बारिश हो रही है तो रेन कोट वगैरह पहन लेते हैं, पहन लिया रेन कवर। पहाड़ों में ना आप कुछ नहीं कह सकते, अभी 100 मीटर पीछे बारिश हो रही थी झमझमाझम, और यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा। और यार मुझे कोई कमेंट करके बताओ ये वही सुंदर नगर है क्या जो मैं प्रेम की दीवानी हूँ मूवी में था? ऐसी 4 लेन आती रहे ना तो चलाने में बड़ा मज़ा आता है यार, गाड़ी सेफली आराम से चलती है। ये सामने भाई पूरा मंडी, इतना काफ़ी डेंस है और काफ़ी बसा हुआ, बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं उधर मंडी में। पार्शर लेक के लिए किधर से रास्ता है भाई साहब? मौसम देख के तो ऐसा लग रहा है ना कि बहुत भयंकर बारिश होने वाली है, भगवान ही जाने आज कहां तक पहुंचेंगे। पार्शर लेक, पार्शर लेक आज पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे इसका भी कोई आइडिया नहीं है भाई साहब। इस वाले रूट पर इतने गुरुद्वारे हैं ना कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप होटल वोटल लेने का मतलब बहुत खर्चा बचेगा आपका। तेल डाल दो जी। तो भैया हिमाचल में पेट्रोल का रेट चल रहा है 96.24 और मैंने डलवा लिया 750 रुपये का तेल और मेरी टंकी हो गई फुल। भैया बारिश ना फिर से बहुत तेज़ हो गया क्योंकि हम पहाड़ों की ना ऊंचाई पे जा रहे हैं, तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे तेज़ बारिश हमें मिलती रहेगी। तो अभी ना मैं दोबारा से कैमरा उतार के धर देता हूँ, आपसे बारिश बंद होने के बाद बात करते हैं। तो भाई लोग बारिश बंद हो गई और हमने दोबारा से रास्ते पकड़ लिया है अपना, अब पूरी रोड ना गीली गीली हो गई है,
हिमाचल की बारिश का कोई भरोसा नहीं है यार, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, कभी भी हो जा रही है, थोड़ा रुक रही है फिर हो जा रही है। एक्चुअली ये सीजन भी थोड़ा वही है ना, ये देखो फिर बढ़ गई। तो भैया हमारे लोंडे हमारे यहाँ मिल गए, आगे आगे भाग रहे हैं यार, इतनी बरसात हो रही है, इनको मैं बोलो बराबर चलो क्योंकि हिमाचल में ना लैंडस्लाइड कहीं भी और किसी भी वक्त हो सकता है, कुछ नहीं पता। और तीनों लोग साथ में रहेंगे ना तो एक दूसरे की हेल्प होती रहेगी। तब ये हम तीनों साथ में ही चलेंगे, अभी बारिश हो रही है, थोड़ी सा बारिश रुकती है उसका वेट करते हैं। तो जब तक यहाँ पर रुके हुए चाय वगैरह पी रहे हैं, चाय पीते हैं उसके बाद आगे निकलती है। बारिश थोड़ी सी थमती है ना उसके बाद निकलते हैं यार, क्योंकि ना रोड ना बहुत ज़्यादा स्लिप भी हो रही है और बाइक स्लिप भी कर रही है। तो भाई बारिश रुक गई है, चाय पीने के लिए हम यहाँ पर रुके हुए थे, अब बारिश रुक गई अब हम निकलते हैं। और निकलने से पहले ना मैं आपको एक व्यू दिखा दूँ कि यहाँ से ना व्यू दिख कैसे रहा है, मतलब बहुत अच्छा वेदर हो गया। उस वेदर की वजह से ना पहाड़ियों का जो मौसम होता है, पहाड़ों पे जो सीन होता है ना वो कुछ अलग ही हो जाता है। और इस टाइम पे पहाड़ों का सीन कुछ अलग है यार, कुछ ऐसे नज़ारे हैं। बारिश अभी थमी है और ये पीछे आप देख रहे हैं सारा मंडी है, ये पूरा मंडी एरिया है। वाह भैया क्या नज़ारे है यहाँ पे। मैं जंगल में रुक तो गया हूँ ऐसे, लेकिन जंगल में ऐसे रुकना सेफ नहीं होता, खूबसूरत है यार। और इस टाइम ना इसमें पूरे में फॉग ही फॉग हो गया, पीछे ना कुछ दिख रहा ना आगे कुछ दिख रहा है। ताज़ा ताज़ा देखो भैया, लैंडस्लाइडिंग ऐसे पहाड़ों में होता है, पहाड़ों में हिमाचल में कोई भरोसा नहीं यार कब आके कोई दीवार आपके आगे आ जाए, तो इसलिए बी केयरफुल, थोड़ा ऊपर भी और नीचे भी और सामने भी देख के चलो। प्रासर लेक जाने के लिए हम काफ़ी ऊंचाई पर चढ़े थे और अब ना नीचे की तरफ उतर रहे हैं। इतनी स्पीड में गाड़ी चल रही है ना कि चाल थ्रॉटल नहीं मार रहा हूँ, उसके बाद भी गाड़ी भाग रही है भाई। मैं किसी से कंफर्म कर ले हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे एक नीचे एक लकड़ी का पुल भी है यार, काफ़ी पुराना सा लग रहा है। पुराने टाइम में कुछ इस तरह के पुल हुआ करते थे, अभी तो इसमें जाने का रास्ता भी नहीं है, बिल्कुल बंद है। ये ऐसा कुछ पुल है यार, लकड़ी का पुल है, बहुत पुराना टाइप का। पराशर लेक जाने का रास्ता कहाँ से? ये भाई लोग आप देख रहे हो ना सामने, ये आईआईटी मंडी है, आईआईटी मंडी। मेरे को नहीं पता था कि यार मंडी में भी कोई आईआईटी है। तो भाई ऐसा कुछ कॉलेज है ये आईआईटी मंडी का, क्या बात भैया। ये कौन सी जगह है, इसको क्या बोलते हैं, जगह क्या बोलते हैं? सालगी, क्या बात। यार ये घर देखो काफ़ी अलग टाइप के घर हैं, इस तरह की बनावट घरों की मैं पहली बार देख रहा हूँ। इस तरह की छत पहली बार मैं कहीं देख रहा हूँ। अंकल गांव का नाम क्या है इसका, गांव का नाम क्या है? कटौला। यहाँ से प्रासर लेक कितना दूर है? 28 किलोमीटर। धन्यवाद। एक काम करते हैं, पराशर लेक तो अभी तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है, ठीक है, हमें पहुंचने में लगभग एक घंटा लग जाएगा। और मुझे पराशर लेक के बारे में कुछ नहीं पता है, ना मैंने कुछ पढ़ा है, तो एक काम करते हैं कुछ लोकल लोग के पास चलते हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि पराशर लेक क्यों फेमस है और क्या क्या मान्यता है वहाँ की। मेरे मुँह से ज़्यादा उनके उन लोगों के मुँह से ज़्यादा अच्छी लगेगी वो चीज़। तो भैया थोड़ा रुक जाते हैं, चले जा रहे हैं अब थोड़ी देर बैठ के ना इस खूबसूरती के मज़े लेते हैं। और पराशर लेक अब लगभग यहाँ से 23 किलोमीटर रह गया है, 5 किलोमीटर कवर किया, मतलब बहुत टाइम लग रहा है इस रोड पे ना, क्योंकि रोडें बहुत खड़ी चढ़ाई हैं और सिंगल लेन रोड है, तो बहुत टाइम लग रहा है। और ना बारिश की वजह से जगह पर लैंड स्लाइडिंग हुआ हुआ है, उसकी वजह से भी थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। भैया कहाँ जा रहे हो? पराशर लेक यार। ये खेतों में चला रहे हो अपने खेतों में चला रहे हो बेचने के लिए? पहाड़ों फूल होती है क्या? की? होती होगी। चल। तो भैया ऐसे गांव के लोग अपने नीचे उगाते होंगे, अब ऐसे गाड़ी आ रखी तो गाड़ी में ले आ रहे हैं, मंडी जाएगा सामान इसमें। आंटी जी ये बकरी है भेड़ है? बकरी भेड़ है।
अच्छा भैया, जैसे जैसे ना हम लोग ऊपर को जा रहे हैं, रोड बहुत नैरो होती जा रही है यार, टर्न लेने में ना बड़ी दिक्कत हो रही है। ऐसे लग रहा है कि गाड़ी साला नीचे चली जाएगी। अब हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं ना, ठंड से ना हाथ कांप रहे हैं, बहुत ठंड लग रही है। अब बारिश की वजह से ना कपड़े भी गीले पड़े हुए हैं, अंदर के भी पता नहीं इसके अंदर भी पानी कैसे चला गया यार। रेन कोट तो मैंने पहना हुआ था लेकिन फिर भी अंदर पानी चला गया। और ऊपर से घने घने पेड़ हैं यहाँ पे, काफ़ी घने पेड़ हैं भाई जी। यहाँ पे परचून की दुकान होगी ऊपर, दुकान दुकान यही है। मैगी के पैकेट चाहिए हैं और चावल चूवल हैं क्या आपके पास? तीन किलोमीटर आगे दुकान है। हाँ मिल गया सब कुछ आपको, 3 किलोमीटर ऊपर। अच्छा भाई, फाइनली कोई घर दिखाई दिया है। इतनी देर से जंगल में गाड़ी चला रहे थे ना, डर सा और लग रहा था, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया ना, और तुषार काफ़ी देर से दिख नहीं रहा है, वो आगे नहीं आया है। तो हम यहाँ पे खड़े होते हैं, चाय वाय पीते हैं और तुषार का वेट करते हैं, भाई आगे नहीं जाते। भाई साहब मैगी के पैकेट मिलेंगे? मैगी ये रफन वालों की है ना, ये वाली नहीं, ये मैगी थोड़ी नेस्ले वाली, वो नहीं है, नेस्ले वाली नहीं है। प्राशर लेके आप जा रहे हो तो भाई आपको पहले ये देखना पड़ेगा, अगर आपके पास कैंप नहीं है या आपके पास कुछ होटल का सुविधा नहीं है, और अगर ऊपर जाके सोच रहे हो ना कि रात बिता लोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, फिर आपको घूम के नीचे आना पड़ेगा। खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा ऊपर, राजमा राइस दाल कड़ी एकदम फेमस है यहाँ का। अच्छा, यहाँ पे राजमा कौन से, लाल वाले होते हैं क्या? सभी तरह के होते हैं। अच्छा, खिलाते हैं राजमा। चलो भैया का राजमा चावल कड़ी मिलता है यहाँ पे। काफी लोग को खिलाया हमने, लोग तारीफ करते हैं। अच्छा, हमका भी अच्छा लगता सुनने में, और हम चाहते हैं कि हम और अच्छा बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो भैया आओ इस रास्ते, तो भैया से मिलते हुए जाना, भैया के राजमा चावल खाते हुए जाना। अभी हम भी खाएंगे और आपको जो भैया बता रहे हैं ना कि उनके राजमा चावल बहुत स्वाद होता है, हम आपको बताते हैं अभी चेक करके कितने स्वाद होते हैं। टिल टॉप इनका नंबर भी यहाँ पे, तो आप कांटेक्ट करके इनको आ भी सकते हैं ना, ऑनलाइन बुकिंग हो जाएगी ना, कॉल करके बुकिंग हो जाएगी। हाँ जी, यहीं के होंगे आप तो लोकल, इसी जगह। वैसे आप लोगों की गांव किधर है? मेरा गांव इधर ही है वैसे, यही गांव है। इससे पहले हमारे गांव नीचे एक थोड़ा कटोला करके, कटोला। हाँ तो यहाँ तो वैसे बर्फ वगैरह पड़ती है? बर्फ पड़ती है यहाँ पे भयंकर। हाँ, ढाई फुट के आसपास, ढाई फुट का। ये फिर तो नीचे आ जाते होंगे लोग? नहीं, हम तो यही रहते हैं, मेरा घर इधर ही है। अच्छा, यही रहते हो? तो भैया ऐसे कुछ नजारे हैं टिल टॉप के, और यहाँ से ना यहाँ पे एक टपरी थी भैया की, यहाँ पे हमने बाइक खड़ी करी। अभी ना हमने अपने फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, वो थोड़ा पीछे रह गया, वो गलत रास्ते पे निकल गया था। एक ना दो रास्ते थे, एक कुल्लू जाने के लिए, एक प्रासर लेक आने के लिए। तो वो प्रासर लेक की जगह ना कुल्लू की तरफ को निकल गया, और अब वो 35 किलोमीटर आगे चला गया, तो 35 किलोमीटर पीछे आएगा, फिर ऊपर की तरफ आएगा। मतलब उसको 1.5 घंटा लगने वाला है मेरे हिसाब से ऊपर आने के लिए। तो जब तक हम चाय पीते हैं, भैया को बोला है कि राजमा चावल खिलाएं भैया, और सनसेट भी होने वाला है। भैया ने चाय बड़ी टेस्टी बनाई थी यार, और यहाँ पे ना भैया बता रहे थे कि इनका राजमा चावल बहुत फेमस है, तो इनका राजमा चावल हम ट्राई कर रहे हैं। और यहाँ पे ना बरोट की राजमा फेमस है, यहाँ पे बरोट करके एक जगह है, तो भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे बरोट के राजमा चावल काफी फेमस है, और देखने में लग रहा है भैया बहुत अच्छे बनाए। 10-15 साल हो गए। अच्छा, राजमा चावल का एकदम फेमस रहा हमारा। हाँ, इंडियन तो इंडियन फॉरनर खा के भी मतलब खुश होके जाता है। अच्छा, तो भैया ये बन रहे हैं राजमा, तो भाई खुशबू आ रही है, बड़ी भयंकर खुशबू आ रही है, और लग रहा है कि बहुत स्वाद होने वाले हैं चावल, राजमा चावल। और ये भैया, और ये भैया का किचन है कुछ इस तरह का। और ये कौन है? ये ऊपर से राजमा डाल देंगे। ओए होए, कुछ नहीं बताया रे यहाँ पे। तो भैया ये हमारे राजमा चावल आ गया, और ये व्यू देखो यार, इस व्यू के साथ में हम ये राजमा चावल खा रहे हैं, और देखने में बड़े टेस्टी लग रहे हैं, काफी मोटे मोटे हैं, कुछ अलग तरह के राजमा है, काफी साइज इनका काफी बड़ा है। सामने हो रहा है सनसेट, और यहाँ पे हम खा रहे हैं राजमा, और ऐसी जिंदगी भगवान सबको दे यार, जैसी जिंदगी जैसी लाइफ हम जी रहे हैं ना, इतना मजा आ रहा है। लेकिन ये ना पेन भी है, देखो अभी हम भीगते भीगते ऊपर आ रहे हैं, और पूरा ठंडा लग रहा है। अभी हमारे पास कपड़े भी हमारे पूरे पैक हैं, अच्छे से खोलेंगे तो हमको उसको बांधने में वापस आधा घंटा लगेगा, तो इसलिए उसको भी नहीं खोल रहे हैं, ऐसे भीग रहे हैं। तो ये भी एक पार्ट है हमारी, अगर ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है ना, तो ये भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है कि अभी हमको ठंड लग रही है, और लेकिन इसमें भी मजा है यार, इसमें कोई पेन नहीं है, ये एक नशा है जिसमें आता मजा है। और ये कुछ सामने
ऐसे कुछ व्यू है और ये काफी ऊंची ऊंची पीक है। इस टाइम हम काफी ऊंचाई पे हैं और ये जो जगह आई है ना, कम से कम 5 से 10 से 12 किलोमीटर बाद ये जगह आई है और इसके ऊपर जो प्राचर लेक है ना वहाँ पे कुछ नहीं है। तो अभी यहीं खाते हुए चलते हैं। अजी वाह, बहुत स्वाद है भैया जी, बहुत स्वाद, बहुत स्वाद है भैया। राजमा मतलब गोल गोल सा है, जैसे राजमा होते हैं ना आमतौर पे लंबे होते हैं, हाँ बड़ा होता है, ये गोल गोल से हैं, लग रहे हैं कि होंगे पहाड़ी। बोलते हैं ये इधर का लोकल चित्रा राजमा बोलते हैं, चित्रा राजमा बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं ढोलकू राजमा, ढोलकू। हाँ लग रहे हैं देखो। तो भाई तुषार भाई तो अभी तक आया नहीं है और ना 7 करीब बज चुके हैं अभी, लेकिन अभी अभी उजाला हो रहा है। तो तुषार आता है तो उसके बाद मुझे लग रहा है आज को यहीं रुकना पड़ेगा, देखते हैं कोई कैंपिंग की जगह मिलती है तो ठीक है, नहीं तो वरना वेट करते हैं उसके आने का, उसके बाद कैंपिंग की जगह ढूंढेंगे। जिन भैया के यहाँ पे हमने राजमा खाया वो भैया कहते हैं कि यहाँ पे मेरा जगह है, वहाँ पे टेंट लगा लो, लेकिन ना वहाँ पे जॉब वो का थोड़ा खतरा था। तो देखते हैं आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद जब वो तुषार आता है उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई यार रात के ना 9 बज चुके हैं और अभी तक ना मेरे को टेंट लगाने की जगह नहीं मिली है, क्योंकि जो भैया ने जगह बताई थी ना वहाँ पे काफ़ी सारे जॉक हैं यार, 2-3 जॉक तो मेरे पैर में लग गए और ना वो एरिया थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जो जगह बताई थी टेंट लगाने के लिए वो पूरा घास वाले एरिया और घास में वहाँ पे काफ़ी सारी चौक हैं इस एरिया में। तो अभी हम देख रहे हैं कहीं और जगह मिलते हैं ना वहाँ टेंट लगाएंगे। यार एक जगह मिली तो है हमको कैंप लगाने की, अब देखते हैं ये थोड़ा अगर साफ सुथरा सा एरिया होगा ना तो ऊपर जा, अब तो यहाँ पे कैंप लगा लेते हैं। पीछे मेरी बाइक खड़ी है बाइक, तो चलो भाई कुकिंग करते हैं। हमारा कैंप लग गया, ये कैंप हमारे इस तरफ लगा, तो ये कैंप इस भाई के और ये वाली हवेली हमारी है, ये वाली हवेली, हवेली नहीं बोलेंगे, तेरे का छोटा है ना, मेरा हमारा बड़ा है भाई, राजमहल झोपड़ी झोपड़ी, हमारा छोटा सा राजमहल है, तुम्हारा छोटा राजमहल है और ये हमारी हवेली है, ठीक है, इनका राजमहल में खुश है, हम अपनी हवेली में खुश हैं। छोटा सा है लेकिन अपना यहाँ पे कुकिंग हो रहा है, यहाँ पे हमने अपना सिलेंडर लगा दिया और पानी गर्म हो रहा है, इसमें हम मंगाएंगे मैगी। तो अभी तो वैसे ना पूरी चारों तरफ दुकानें वगैरह बंद हो गई थी कुछ थाने कुकिंग के लिए, लेकिन हमारे पास ना वैसे हमने इतना सामान खरीद के रखा हुआ था कि कहीं ना कोने कोने कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो मैगी के 3-4 पैकेट हमें मिल गए, तो अभी मैगी बना रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कुकिंग कैसे पॉसिबल हो पा रही है हमारी ऐसे जंगल में। हमने अपने साथ में जेरी कैन लेके चल रहे हैं, ठीक है, वैसे ही जेरी कैन ना पेट्रोल के लिए होती है, लेकिन 2 हमारे पास जेरी कैन है, तो एक में पेट्रोल कैरी कर रहे हैं, एक में हम पानी कैरी कर रहे हैं। इस व्लॉग के बाद जो व्लॉग आएगा वो आपको दिखेगा प्राचर लेक का, और प्राचर लेक यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत लेक है जिस लेक को हम देखने के लिए आए। वैसे हमारा आज का प्लान था कि हम प्राचर लेक तक जाएं, लेकिन साला जा नहीं पाए। तुषार भाई 35-40 किलोमीटर ना गलत रास्ते चला गया, फिर उसके बाद 35 किलोमीटर गया, फिर 35 किलोमीटर वापस आया, 70 किलोमीटर मतलब 2-2.5 घंटे 3 घंटे लगा लो मोटा मोटी वेस्ट हुए। फिर अपना ना ये नूडल्स बन तो गए, लेकिन ना इसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली ना मैगी नहीं है ये वाला, पता नहीं कौन सा है, ग्रीस मैस इंस्टेंट नूडल्स, बिल्कुल बकवास स्वाद है इसका। तो इसलिए ना हमने ना ये लेस लेके आए हुए थे, तो इसमें थोड़ा सा ना लेस डाल दिया है, ये पीनट लेके आए हुए थे खाने के लिए, ये चखने के लिए नहीं थे, ये इसी के लिए थे, मैगी के लिए लाए थे, मैगी में हम ये पीनट वगैरह और लेस वगैरह डाल के खाते हैं, लेकिन इसका स्वाद कुछ ज़्यादा ही गंदा है मैगी का, कैसा हो रहा है और ये सूखो गए सूखती है लाल लाल वही क्या पता थोड़ा टेस्ट आ जाए। भाई इसमें पीनट नट क्रैकर और लेस डालने के बाद ना थोड़ा टेस्ट आ गया, खाने लायक हो गई है, उससे पहले तो खाने लायक ही नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जो मसाला था ना बिल्कुल टेस्ट लेस था, उसमें वो टेस्ट नहीं था, लेकिन जो हमने इसमें नट क्रैकर डाले ना उसमें काफी नमक और मसाला था, तो उसकी वजह से इसमें टेस्ट काफी अच्छा आ चुका है। हाँ भाई पड़ोसी, हाँ पड़ोसी सोते हैं, सोते हैं, चलो गुड नाइट, पेट भर गया, भर गया, तो भाई पड़ोसी को बाय बाय कर देते हैं, चलो पड़ोसी बाय बाय, कल मिलेंगे, ठीक है, कल मिलते हैं, ठीक है, और कोई रात में गेट बजाए तो खोलना नहीं है, ठीक है, अंदर से ताला मार लेना, जान में खोटू तो करना मत कुछ, ठीक है, चलो गुड नाइट, चलो बाय बाय, गुड नाइट।